बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अच्छी है कि फिटर ट्रेड अच्छी है, इन दोनों ट्रेडों में कौन सी ट्रेड से हम आईटीआई करें जिससे हमारा जो फ्यूचर है वह सिक्योर हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ट्रेडों की तुलना करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन और आईटीआई ट्रेड में कौन सा ट्रेड बेस्ट है। देखिए, मैं आपको बहुत सीधे सीधी बात बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये दोनों ट्रेड बहुत ही कोर ट्रेडें हैं और सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी इन्हीं दोनों ट्रेडों में है। सर्वेयर में भी आपको मिल जाएगी जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा एंगेज, जैसे सर्वेयर क्या है कि कुछ जगहों पर जैसे जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पर सर्वेयर वगैरह की ज़रूरत होती है जो, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन का है वह अगर उसको कोई जॉब नहीं भी मिलती है तो भी वह पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से स्कूल गया है, कॉलेज का एक एक क्लास उसने अटेंड किया है, तो उसको कभी भी घर नहीं बैठना पड़ेगा, वो अपने कम मतलब भर का तो ज़रूर कमा लेगा। फिटर ट्रेड के साथ भी यही है, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो भी पूरी तरह से अपने आप को मेंटेन कर लेगा, कोई ना कोई अपने लिए ढंग का तो काम कर ही लेगा। बाकी कंपनियों में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है जिससे उनको कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम तुलना करें दोनों ट्रेडों में कि फिर भी दोनों ट्रेडों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, आप किसी से भी इस चीज़ को पूछेंगे तो फिटर ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड है जॉब की दृष्टि से, ठीक है, और हर प्रकार से जो हमारी फिटर की ट्रेड है वो सबसे बेस्ट है। इलेक्ट्रीशियन उसके बाद आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। पूरी आईटीआई और बीटेक हर फील्ड में दोस्तों सबसे बेस्ट होता है मैकेनिकल का जॉब, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का आता है, ये सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका फर्स्ट आता है फिटर का जॉब। अब ये फिटर का जॉब क्यों होता है, देखिए फिटर और इलेक्ट्रिकल में मैं आपको एक बहुत सीधी सीधी एक लाइन में आपको जवाब दे दूं मैं। इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल का काम, जो इलेक्ट्रिकल की जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको खोजने में टाइम लगता है। ये थंब रूल है दोस्तों, याद रखिएगा कि इसके जो समस्या होती है, मान लीजिए कोई मशीन नहीं चल रही है, तो उस मशीन में वो क्यों नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिकल की क्या प्रॉब्लम है, उसको खोजने में बहुत टाइम लगता है। उसको खोजने में घंटा दो घंटा लग सकता है, लेकिन उस समस्या को हल करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। मान लीजिए कोई अनन्यूट्रल का तार टूटा हुआ है, कोई फेस का तार टूटा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर की कोई सप्लाई नहीं दे रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर की किट, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही आपने सॉर्ट आउट किया, तुरंत आपने आकर कॉन्ट्रैक्टर को बदल दिया और आपकी जो मोटर है वो या जो मशीन है वो चलने लगी। फेस का तार टूटा था, आपने उस तार को जोड़ दिया, मशीन आपकी चलने लगी। न्यूट्रल का तार टूटा था, आपने उसको जोड़ दिया, न्यूट्रल मशीन आपकी चलने लगी। मतलब इसकी समस्या को खोजने में, लेकिन वह तार टूटा हुआ है, किस जगह पर टूटा हुआ है, उसको खोजने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रिकल में, जो इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, उसमें टाइम केवल और केवल प्रॉब्लम को शॉर्ट खोजने में ज़्यादा समय लगता है, सॉर्ट आउट करने में बहुत ही कम समय लगता है, कुछ ही मिनटों में वो कम जो समस्या होती है इलेक्ट्रीशियन हल करके चला जाता है। लेकिन जो फिटर का काम होता है दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें वह चीज़ दिखती है, जो प्रॉब्लम होती है वो सामने दिखती है, लेकिन इसको करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि कोई मशीन है वो नहीं चल रही है, तो फिटर, मान लीजिए उसका कोई गियर टूटा हुआ है, तो गियर टूटा हुआ है तो वो तो बाहर से ही दिख जाएगा कि ये वाला गियर टूटा हुआ है, लेकिन उस गियर को उस गियर तक पहुंचने में कितने गियर और खोलने पड़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि समस्या तो सामने दिख जाती है, लेकिन इसको करने में बहुत टाइम लगता है, और इसमें क्या होता है, समस्या खोजने में बहुत टाइम लगता है, करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो फिटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रीशियन क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन पूरे प्लांट को अकेले चला सकता है, क्योंकि कुछ ही समस्याएं आती हैं, और अगर अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, अच्छी उसको नॉलेज है, जो इलेक्ट्रिकल का अच्छी जानकारी है उसको, तो उसको आसानी से उन समस्याओं को, वो क्योंकि कई बार उसने कर लिया होता है, उनका कई बार उन समस्याओं को हल कर चुका होता है, इसलिए जल्दी से वो उन समस्याओं को पकड़ लेता है और आराम से वो अपनी नौकरी करता रहता है। लेकिन फिटर के साथ यही एक समस्या होती है कि उसको हर बार, मान लीजिए कोई गियर टूटता है, तो हर बार उसे वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग अगर 10 फिटर की अगर जॉब निकलती है, और तो एक या मैक्सिमम दो इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत
महसूस होती है या दो इलेक्ट्रीशियन की जॉब निकलती है इसके रिस्पेक्ट में, तो मतलब ये हुआ कि दोस्तों 10:2 का अनुपात होता है इलेक्ट्रीशियन और फिटर के अनुपात में। तो निश्चित बात है इससे क्या हुआ कि 10 जब फिटर भर्ती होंगे तो 2 इलेक्ट्रीशियन भर्ती होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रीशियन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिटर में जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में जॉब कम होते हैं। लेकिन ये है इलेक्ट्रीशियन का जो मतलब पढ़ाई कर लेता है वो अपनी खुद की भी एक शॉप डाल सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो खुद भी कर सकता है जिससे कि वो अपना काम कर सकता है। तो दोनों ट्रेडों में दोस्तों सबसे बेस्ट ट्रेड फिटर की है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड आती है। मगर इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ट्रेडों में फिटर तो ज़रूर अच्छा है, लेकिन अगर आपका मन इलेक्ट्रिकल के काम में ज़्यादा लगता है तो आप इलेक्ट्रिकल पर फोकस करिए, और अगर आपका काम मैकेनिकल पर ज़्यादा लगता है या फिटर पर ज़्यादा लगता है तो आप फिटर पर ज़्यादा फोकस करिए। मतलब आप अपने मन की बात देखिए कि आपका मन क्या कहता है। दोनों ट्रेडों में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रिकल में आपका जैसे पावर ग्रिड है या UPPCL है, मतलब कि हर प्रदेश का जो अपना पावर कॉर्पोरेशन है उसमें इलेक्ट्रिकल की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की। और फिटर की उन जगहों पर बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में फिटर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन फिटर की तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी फिटर मैकेनिकल में मतलब जॉब ज़्यादा आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी और आपको इस चीज़ का चुनाव करने में भी आसानी होगी। और जिन जिन साथियों ने इस टॉपिक पर कमेंट किया था कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में दोनों में बेहतर कौन सी ट्रेड है, तो उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन जिन लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कोई कन्फ्यूजन होती हो तो उनको इस सवाल का जवाब, इस वीडियो को देख करके उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए। और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।